Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Motomac Two Wheeler Service Station हल्द्वानी. Hope you guys all fine, खुश रहें, आबाद रहें. और आज का जो ये व्लॉग है ये है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि ये बनाया गया था 14 जून को. आई नो आज 16 जून है, इसको दो दिन लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि बीच में हम कैची धाम के मेले में बिजी थे. तो 14 जून वॉज अ स्पेशल डे बिकॉज उस दिन होती है सेकेंड एनिवर्सरी मोटोमैक की. तो भाई आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब बनता है यार. सेकेंड एनिवर्सरी पे यही गिफ्ट आप दे सकते हैं. तो मैंने ये डिसाइड किया था कि हम कस्टमर को जो गिफ्ट देंगे वो ये था कि हम 14 जून को जितनी भी सर्विसेज होंगी सब पे 10% स्पेशल ऑफ रहेगा टोटल बिल अमाउंट पे. तो ये तो हो गई एक चीज़. और आज 14 जून वाले दिन हमने जो व्लॉग बनाया था वो बनाया था एक्टिवा में, जो कि आई है इंजन सीज होके. तो इंजन सीज क्यों होता है, कैसे होता है, उसको कैसे ठीक होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा. पहले तो मैं आपको किक दिखाता हूँ कि ये सीज है इसलिए किक ब्लॉक है, किक जाम हो चुकी है. तो जब इंजन सीज हो जाता है तो मशीनरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, किक नहीं लेती है गाड़ी. ठीक है, बाइक का तो टायर भी कई दफ़ा ब्लॉक हो जाता है, मूव भी नहीं करता, बट स्कूटी है इसलिए मूव कर ली थी. तो ये गाड़ी अभी भाई एक दूसरी गाड़ी पे लोड होके गाड़ी ये हमारे पास आई है, क्योंकि भाई इंजन ब्लॉक था. कस्टमर ने बाहर के दिखाई थी, उन्होंने ऑयल ड्रेन करवा दिया ऐसा उन्होंने बोला, बट इंजन ऑयल इसमें एक बूंद भी नहीं है. वो ऑयल अगर ड्रेन कराया था तो वो वापस गाड़ी में डलवा देना चाहिए था एटलीस्ट, ताकि हमें कंडीशन पता चल सकती रियल वाली. तो अभी ऑयल ड्रेन करने के लिए हमने जब चेक किया तो ऑयल है नहीं. तो अभी ये वाला जो स्क्रू है यहाँ से ऑयल ड्रेन होता है उसको खोला जा रहा है चेक करने के लिए कि थोड़ा सा भी ऑयल है या नहीं है. तो लेट्स सी इसमें क्या कितना ऑयल है. ओके, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है. अगर यहाँ पे ऑयल होता तो यहाँ से तुरंत ऑयल गिरना शुरू हो जाता और ड्रेन हो जाता. तो इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं है. अब मशीनरी की कंडीशन देख लेते हैं कि मशीनरी की क्या कंडीशन है, कितनी ज़्यादा ब्लॉक पड़ी, कितनी ज़्यादा जंग है उसमें, क्या है कंडीशन. तो अभी गाड़ी का इंजन विंजन सब खुलेगा, मैं आगे आपको दिखाऊँगा. तो गाड़ी की सर्विस टाइमली होनी चाहिए, ऑयल टाइमली चेंज होना चाहिए. टाइमली का मतलब ये होता है कि पता चल जाता है एटलीस्ट कि गाड़ी ऑयल ज़्यादा ले रही है या नहीं ले रही है. तो टाइमली सर्विस कराना ज़रूरी है. तो अभी इंजन खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे. ये देखिए, ये जब हेड है, ये इंजन का हेड खुलता है तो यहाँ से ऑयल निकलता है थोड़ा, मशीनरी भी पूरी लूब होती है. बट इसमें भाई ऑयल है ही नहीं, बिल्कुल भी इंजन ऑयल नहीं है यहाँ पर. ये मशीनरी पूरी ड्राई पड़ी है. आप नेट पे भी डालोगे ना इंजन सीसी कंडीशन पे आती, तो उसमें भी ये लिखा आएगा कि जब इंजन ऑयल इसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तब इंजन ब्लॉक हो जाता है. तो ये ब्लॉक हो चुका है, ड्राइनेस है. और ये है सेल्फ पिनियन, ये ठीक है. गाड़ी की सेल्फ ना लेने की वजह उसकी सेल्फ मोटर है जो कि ख़राब है. तो अभी इसमें ये देखिए आप अंदर की कंडीशन, पूरी मशीनरी में इतनी ज़्यादा धूल है जो कि नहीं होती है, होती है थोड़ी होती है. वो क्रैंक है, वो पिस्टन है, वो दोनों ब्लॉक पड़े हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बल्कि वही मेन काम करते हैं गाड़ी को मूव वही कराते हैं, पिस्टन और क्रैंक. तो अभी वो पूरी तरीके से ब्लॉक पड़े हैं. तो इंजन में जो है मेन वो क्रैंक, पिस्टन और ये पिस्टन का एरिया है जो कि रिपेयर हो. तो मैं ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा बोरिंग ना हो जाए. ये वॉल्व का एरिया ये ख़राब है, यहाँ पे नए वॉल्व पड़ेंगे, ग्राइंड होकर हेड ग्राइंड होगा. बाकी उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा जो जो रिपेयर होगा. पिस्टन भी रिपेयर होगा, क्रैंक रिपेयर होगा. ये है वो क्रैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है ऊपर वो पिस्टन जो चेंज होगा. तो ये एयर फिल्टर फिट हो रहा है, गाड़ी के मेन मेन पार्ट्स रिपेयर होके आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. अभी ये है हेड जो कि ग्राइंड होके आ गया, ये है सुमित भाई के हाथ में वॉल्व जो कि नए हैं जो कि इसमें अब लगाए जा रहे हैं. तो बेसिकली ये होता है वॉल्व और हेड ग्राइंड होने का प्रोसेस. अब ये सब हो चुका है, ये है पिस्टन जो कि नया आ चुका है, ये पिस्टन इसमें मूव करता है, इसको भी ग्राइंड कराया गया है ताकि अंदर जो है वो स्मूथ हो जाए वापस मशीनरी. ये है सेल्फ की मोटर जो कि ख़राब थी, जो मूव नहीं कर रही थी, जो कि रिपेयर हो चुकी है. तो अभी गाड़ी सेल्फ भी लेगी प्रॉपर तरीके से. तो अभी इंजन का मेन मेन काम हो चुका है. तो इसको इंजन का आपने देखा था ये वाला पार्ट, ये कितना ज़्यादा गंदा था, ये वापस ठीक हो चुका है. ये है क्रैंक, ये पुरानी है जो कि चेंज हुई है, और इसी में पिस्टन ऊपर लगा होता है. तो क्रैंक, पिस्टन और वॉल्व, हेड, ये सब हो चुका है मेनली काम. सेल्फ की मोटर वो भी साफ हो चुकी है, ठीक हो चुकी है. तो यही मेन मेन काम था जो इसमें होना था, जो कि जब इंजन सीज हो जाता तब होता है. तो अभी भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये सही टाइम पे गाड़ी आ गई, वरना हो सकता है माइट भी आ गया और भी नुकसान हो सकता था. आप देख सकते हैं पिस्टन किस तरह मूव कर रहा है. तो अभी टाइमिंग चेन लगा दी जाएगी पिस्टन को और क्रैंक को, जो भी हेड वॉल्व ये सब थी चीज़ें, ये सब अपनी जगह पर प्लेस कर दी जाएंगी और इंजन पूरी तरह से बांध दिया जाएगा, और उसके बाद गाड़ी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी. तो देखा आपने किस तरह आपको पता चला कि इंजन किस तरह सीज हो जाता है, उसमें क्या क्या काम होता है बाद में जब इंजन सीज होता है. तो
आपको जरूरी है कि आप टाइमली इंजन ऑयल चेंज कराएं, टाइमली सर्विस कराएं। टाइमली सर्विस कराने से एटलीस्ट ये भी पता चलता है कि यार गाड़ी में क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट आने वाला है। अगर गाड़ी इंजन ऑयल ज़्यादा ले रही है तो वो क्यों ले रही है, तो उससे पता चल जाता है। तो इंजन ऑयल एटलीस्ट टाइमली चेंज कराएं, वही एक बेसिक नीड होती है गाड़ियों की, ब्रेक्स वगैरह और इंजन ऑयल वगैरह। तो गाड़ी ज़्यादा नहीं मांगती है मेंटेनेंस, तो सब खेल सर्विस का ही होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अभी इंजन वापस पैक कर दिया जाएगा, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करा के आपको दिखा दूंगा। तो आज का ये जो व्लॉग है ये इसी गाड़ी पे था, एक्टिवा पे। आपको आई होप ये एक वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अभी इंजन इसमें पैक कर दिया गया है, गाड़ी अब जो भी बेसिक काम है वो सब करवा दिया जाएगा। मेन काम मैंने आपको दिखा दिया, गाड़ी सेट ले रही है, देखिए मशीन भी पूरी मूव कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से ऑयल ज़्यादा बाहर आ जाएगा अगर अब दिखा देंगे तो। और ये गाड़ी अब पैक करा दी है, फिर गाड़ी वॉश वगैरह करा के कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। पहले मैं आपको गाड़ी की किट भी दिखा देता हूँ, दे देखिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।